नूह जिले में 24 घंटे में मंगलवार बुधवार को 3 नए केस सामने आए हैं। जिले में जो नए केस सामने आए हैं अधिकतर पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में आए हैं। नए केस पुनाना नगीना खंडों के सामने आए हैं। मंगलवार शाम को जारी किए गए बुलेटिन में एक नया मरीज तथा बुधवार को सुबह जारी किए गए बुलेटिन में दो मरीज सामने आए हैं। नए मरीजों के कांटेक्ट खंगालने में नूह स्वास्थ्य विभाग की टीम जुटी हुई है। नूह डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने जानकारी देते बताया कि नूह जिले में कोरोना के अब 66 एक्टिव मरीज हो गए हैं। जिले में अब तक कोरोना के 258 मामले सामने आए, जिनमें अब तक 195 मरीज ठीक हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि 49 लोगों की रिपोर्ट आना पकाया है। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। कितने एक्टिव केस हैं, कितने टोटल पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं, क्या कहवाई? 258 हमारे टोटल केसेज हैं, उसमें से 192 हमारे जो हैं रिकवर हो चुके हैं, जिनमें से आज एक रिकवर हुआ है। ये जो लेडी थी पलवल में दाखिल थी, वहाँ से डिस्चार्ज हुई है। और इसके अलावा हमारे कल दोपहर से लेकर रात सुबह तक अब तक टोटल 3 केसेज आए हैं। जो कल वाले जो दो केस थे, एक केस नगीना और एक मलाका पुनाना से था। पुनाना वाला जो केस था वो नल्लड़ में अपना इलाज कराने गई थी, पॉजिटिव आई है। और जो ये नगीना वाला है, ये किसी दिक्कत से गुड़गांव गया था, वहाँ दाखिल है, ये पॉजिटिव आया है। आज का जो एक है हमारा केस प्राइवेट लैब से था, वो आया है। 3 है हमारे अब तक जो हमारे जो टोटल एक्टिव केस हैं वो 66 हैं। मैं लियाकत अली पत्रकार मेवात जिले का नंबर 1 चैनल में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं सच का आईना, रोजाना दमदार खबरें। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें।